चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ सीएम एंड गवर्नर। ये आरआरबी, एसएससी और अदर बैंकिंग एग्जाम के लिए भी उपयुक्त है। चलो तो फिर शुरुआत करते। सबसे पहले हम लेंगे आंध्र प्रदेश, उसका स्टेट कैपिटल, उसके गवर्नर कौन से और उसके चीफ मिनिस्टर कौन से। आंध्र प्रदेश में लेटेस्ट में उनके सीएम ने जो जगमोहन रेड्डी है, इन्होंने 3 कैपिटल बनाए हुए। अमरावती जो है ये लेजिस्लेटिव के लिए है, उसके बाद विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव के लिए और कुर्नूल ये जो है जुडिशियल के लिए। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके पहले भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हुए, अभी भी पूछने के चांसेस ज़्यादातर है। आरआरबी एनटीपीसी की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। उसके बाद इसके गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन और चीफ मिनिस्टर है वाईएस जगमोहन रेड्डी। उसके बाद जाते हैं अपन अरुणाचल प्रदेश में, इसका कैपिटल है ईटानगर, गवर्नर है बी डी मिश्रा, उसके बाद पेमा खंडू इनके चीफ मिनिस्टर है। इसके बाद है आसाम, उस आसाम की कैपिटल है दिसपुर, इनके गवर्नर है जगदीश मुखी और इनके सीएम है सुब्रानंद सोनोवाल। अब जाएंगे बिहार, उसकी कैपिटल है पटना, उसका गवर्नर है फागु चौहान और सीएम है नीतीश कुमार। उसके बाद है छत्तीसगढ़, ऑलरेडी ये सवाल आ गया है। उसके बाद नया रायपुर उसकी कैपिटल है, बिलासपुर भी इसको कैपिटल कहाँ जाती है इसकी। उसके बाद अनुसुईया उइके इनकी गवर्नर है, जो आरआरबी एनटीपीसी के इसके पहले शीट में आ चुका है। उसके बाद भूपेश बघेल इनके सीएम है। उसके बाद है गोवा, ये भी एक क्वेश्चन आ गया है, इसकी कैपिटल है पणजी, उनके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, उनके सीएम है प्रमोद सावंत। उसके बाद है गुजरात, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, उसके बाद उनके गवर्नर है आचार्य देवव्रत और सीएम है विजय रूपानी। उसके बाद आएंगे हम हरियाणा में, उनकी कैपिटल है चंडीगढ़ और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या और उनके सीएम है मनोहर लाल खट्टर। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और उनके जो गवर्नर है बंधु दत्तात्रेय, ये सवाल आ चुका है। इसके बाद है सीएम जयराम ठाकुर। इसके बाद जाएंगे हम झारखंड में, झारखंड की राजधानी है रांची, उनकी जो गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू और सीएम है हेमंत सोरेन। उसके बाद जाएंगे हम कर्नाटका में, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, वजूभाई रुद्राभाई वाला गवर्नर है और बी एस येदियुरप्पा ये इनके सीएम है। उसके बाद केरला, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, आरिफ मोहम्मद खान ये इनके गवर्नर है और पिनरई विजयन इनके सीएम है। पिनरई विजयन के बारे में आरआरबी एनटीपीसी में एग्जाम में सवाल आ चुका है। इसके बाद है मध्य प्रदेश, ये भी सवाल आ चुका है, इसकी कैपिटल है भोपाल। आनंदीबेन पटेल के बारे में पूछा था कि मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। देखिए दोस्तों, आनंदीबेन पटेल दो स्टेट की गवर्नर है, एक तो उत्तर प्रदेश और उसके बाद मध्य प्रदेश, ये दो ध्यान में रखिए, दोनों भी मध्य प्रदेश यहाँ होगा तो उत्तर प्रदेश यहाँ है। उनका सीएम है शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मुंबई है कैपिटल, उनके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और सीएम है उद्धव ठाकरे। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार मध्य प्रदेश की गवर्नर और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल, उसी प्रकार महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और गोवा के जो गवर्नर है वो भगत सिंह कोश्यारी है, ध्यान में रखिए बात। उसके बाद है मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, उनके जो गवर्नर है नजमा हिपतुल्ला और बीरेन सिंह ये उनके सीएम है। उसके बाद जाएंगे मेघालय, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, उसके जो गवर्नर है सत्यपाल मलिक और कॉनराड संगमा उनकी सीएम है। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम का एंजॉल, उसके गवर्नर है प्रियस श्रीधरन पिल्लई और झोराम थंगा उनके सीएम है। उसके बाद जाएंगे नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, उनके जो गवर्नर है आर एन रवि और नेफितू रिओ ये इनके सीएम है, नेफितू रिओ। उसके बाद जाएंगे ओडिशा, ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, प्रोफेसर गणेश लाल माथुर, गणेशी लाल माथुर, उसके बाद उनकी सीएम है नवीन पटनायक। उसके बाद है पंजाब, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। दोस्तों पंजाब की, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है और पंजाब भी, हरियाणा की दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है। उसके बाद पंजाब के जो गवर्नर है वीपी सिंह बदनोरे और उनके जो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब में अभी
कृषि बिलों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, इनके कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके बीच में अपोज किया था उन्होंने, और पंजाब से ज़्यादातर उनका अपोज हो रहा है एक एक्ट के बारे में। उसके बाद है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, उनके जो गवर्नर है कलराज मिश्रा और जो सीएम है अशोक गहलोत। उसके बाद जाएंगे हम सिक्किम में, सिक्किम है गैंगटॉक और उसके गवर्नर है गंगा प्रसाद और प्रेम सिंह तामांग, ये उनके सीएम है। उसके बाद है तमिलनाडु। उसके बाद है चेन्नई, उसकी कैपिटल, और बनवारीलाल पुरोहित थे उनके गवर्नर, और इडापड्डी पलानी स्वामी उनके है सीएम। उसके बाद जाएंगे हम तेलंगाना, उसकी कैपिटल है हैदराबाद, डॉक्टर तमिलीसाई सुंदर राजन, ये तमिल तमिल तेलंगाना का थोड़ा मैच हो रहा है, तमिलीसाई सुंदर राजन, और के चंद्रशेखर राव ये इनके सीएम है। उसके बाद है त्रिपुरा, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, उसके गवर्नर है रमेश बाइस और सीएम है बिप्लव कुमार देव। उसके बाद जाएंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और मैंने आपको जैसे बताया था कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल, और उनकी जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। ध्यान में रखिए दोस्तों, इसके पहले ही मैंने आपको रिविजन करके दिया है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल, इसके पहले ऑलरेडी ये एनटीपीसी में आ चुका है, उसके बाद और आएगा, रिपीट हो सकता है, ये ध्यान में रखिए। महाराष्ट्र और गोवा इनके भी जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, ये सेम ही है, ये ध्यान में रखिए आप। उसके बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल है डेहराडून, बेबी रानी मौर्या ये इनकी गवर्नर है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत ये इनके सीएम है। उसके बाद लास्ट में जाएंगे वेस्ट बंगाल, कैपिटल है कोलकाता, और उनके गवर्नर है जगदीश धनखड़, उनके जो सीएम है ममता बनर्जी। उसके बाद जाएंगे हम लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी, लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी विद देयर कैपिटल्स एंड एलजी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। देखिए फ्रेंड, वहाँ जो यूनियन टेरिटरी है कुछ जगह वहाँ अपने यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं और कुछ जगह वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है, तो देखेंगे हम उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। सबसे पहले है यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार, उसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, गवर्नर है श्री देवेंद्र कुमार जोशी, लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो। ध्यान में रखिए दोस्तों कि कहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है और कहाँ एडमिनिस्ट्रेटर है। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर है और लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ देवेंद्र कुमार जोशी। उसके बाद है चंडीगढ़, उसकी कैपिटल भी चंडीगढ़ है, ये केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से, और जो है गवर्नर श्री वीपी सिंह बदनोरी एडमिनिस्ट्रेटर है उनके वहाँ के। उसके बाद दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। देखिए फ्रेंड, इसके पहले केंद्र शासित प्रदेश थे वो दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव अलग अलग थे, बट अभी आपको ध्यान में रखना है कि दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव ये एक ही हो चुके हैं, और इनकी कैपिटल है दमन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान में रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों भी अभी एक हो चुके हैं। उसके बाद उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल पटेल। उसके बाद जाएंगे दिल्ली, नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, उसकी कैपिटल है न्यू दिल्ली, अनिल बैजवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। जम्मू एंड कश्मीर, उनकी कैपिटल है श्रीनगर और जम्मू, दो कैपिटल है श्रीनगर और जम्मू, श्रीनगर में अक्टूबर में रहती है। देखिए दोस्तों, श्रीनगर और अगर जम्मू का अपन कंसिडर करते तो यहाँ जम्मू है, यहाँ श्रीनगर है। उसके बाद उनका जो ये है गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू, लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ के, ये ध्यान में रखिए, मोस्ट टाइम ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आ सकता है अभी। उसके बाद है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की कैपिटल है कवरत्ती, श्री दिनेश शर्मा आईपीएस है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, और किरण बेदी पुदुचेरी की है। उसके बाद पुदुचेरी को चीफ मिनिस्टर भी है वी नारायण स्वामी। देखिए फ्रेंड, हमारे इसमें पुदुचेरी और दिल्ली यहाँ दो ही ऐसे यूनियन टेरिटरी है जहाँ सीएम है। तो अंत में है लद्दाख, लद्दाख का कैपिटल है लेह, और इनका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये है राधा किशन माथुर, राधा किशन माथुर, ध्यान में रखिए फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, अभी आपने हमने किया है आज का स्टेट और उनके गवर्नर, उनकी कैपिटल और उनके सीएम। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये आ रहा है और इसके आगे भी आएगा, आपको आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए ध्यान में रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपने चैनल को लाइक करें, आपके फ्रेंड को भी बताइए। अंत में तो मैं यही कहूँगा, जहाँ न पहुँचा राशन वहाँ पहुँचा दो मेरा भाषण, जिसकी वजह से इसका बेनिफिट सभी लोग उठा सके। थैंक यू।